अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया मैच जीत गया, क्या कहेंगे? इंडिया की टीम पाकिस्तान का लेवल ही नहीं बनता इंडिया के साथ। कैसे नहीं बनता? इंडिया के बैटर बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं और इंडिया की बॉलिंग भी, पहले कहते थे उनकी बॉलिंग नहीं है, अब उनकी बॉलिंग भी ठीक हो गई है। उन्होंने पिछली दफ़ा एशिया कप में भी पाकिस्तान को सही आउट किया है, उसके बाद अभी भी उनके बॉलर ऑस्ट्रेलिया को भी आउट कर दिया उन्होंने 199 पे, और पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने सही परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान पूरी टीम ने जो है एक छक्का भी नहीं लगाया, रोहित शर्मा ने 6 छक्के 6 चौके लगा दिए, क्या कहना चाहेंगे? रोहित शर्मा हिटमैन है। 86 स्कोर किया रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा हिटमैन है, उसके सबसे ज़्यादा उसके छक्कों का रिकॉर्ड भी उसके पास है, और शुरू में वो जिस तरह खेलता है उस तरह कोई प्लेयर नहीं खेलता। वो कहते हैं पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, उसने हर बॉलर को छक्के मारे हैं। पाकिस्तान के पास ओपनर कब आएगा जो कि पहले 10 ओवर में स्कोर कर सकता है? जिस तरह रोहित शर्मा ने आते ही पहली बॉल पे चौका लगा दिया और प्रेशर सारा उतर गया, तब भी समझा जा रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग है जो कम बैक कर सकती है, लेकिन पहली बॉल पर उसने चौका लगा के बता दिया भाई मैच वन साइडेड होने वाला है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के पास भी ऐसा कोई बैट्समैन आएगा जो पहली गेंद पे चौका या छक्का मारेगा? पाकिस्तान के पास मैं समझता हूँ कोई ऐसा बंदा नहीं आ सकता। है नहीं कि खिलाया नहीं जा रहा, एक है फखर जमान जो खेलता है ऊपर आगे अटैक करता है, लेकिन अब उसको भी नहीं खिलाया जा रहा उसकी परफॉर्मेंस की वजह से। फखर जमान को क्यों नहीं खिलाया जो कि हर मरतबा इंडिया के खिलाफ चलता है, सेंचुरी चलता है, चैंपियंस ट्रॉफी उसने जिताई और भी मैचेस में स्कोर किया, तो क्या आज ये समझा जा रहा था कि इमामुल हक फखर जमान से बड़ा प्लेयर है? इमामुल हक की जगह पे फखर जमान को मेरा ख्याल है खिलाना चाहिए था, क्योंकि पिछले मैच में भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई और इस मैच में फखर जमान को मौका देना चाहिए था, उसका रिकॉर्ड भी इंडिया के खिलाफ ठीक है, तो फखर जमान को मैं समझता हूँ खिलाना चाहिए था। क्या समझते हैं बाबर आजम को कप्तानी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए, सिर्फ अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहिए? बाबर आजम को मैं यही कहूँगा, बाबर आजम पिछले भी उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उसने आज 50 कर दिया है, चले अच्छी बात है, और उसको चाहिए अपनी कप्तानी पर फोकस करे और बॉलर को भी सही समझाए वगैरह ताकि उसकी कप्तानी ठीक हो। सुनने में आ रहा है कि शहीन शाह अफरीदी जो है इंजर्ड है, सही बॉलिंग नहीं कर पा रहे, जब आपके पास बैकअप पे बॉलर्स दो पड़े हुए हैं, वसीम जूनियर है, जमान खान है जो कि डेंजरस बॉलर है, तो क्यों नहीं उन्हें खिलाया जा रहा, क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? शहीन शाह अफरीदी ठीक है, लेकिन अगर इंजर्ड है तो उसकी जगह जमान खान को खिलाना। कहाँ ठीक है, चौके छक्के पड़ रहे हैं शहीन शाह अफरीदी को, उसकी जगह जमान खान को फिर खिला लेना चाहिए था। जमान खान सही बॉलिंग करता है, उसने एशिया कप में भी सही बॉलिंग की है, लास्ट ओवर भी सही करता हो। सिर्फ दो बैट्समैन आज चल पाए, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, बाकी बैट्समैन क्या करने गए? बाकी पूरी टीम पता नहीं क्या कर रही है पाकिस्तान की। शदाब खान तो कह रहा था भाई हमें बिरयानी खा रही, बड़ा मजा आ रहा है, क्या आज बिरयानी किधर गई शदाब खान की? शदाब खान पहले बॉलिंग करता था बैटिंग, अब बैटिंग की तरफ आया, उससे बैटिंग भी नहीं होती ना, दोनों चीजें गई, दोनों चीजें उसकी गई हैं। आगे इन फ्यूचर जाके पाकिस्तान का जो है सेमीफाइनल में या फाइनल में टाकरा पड़ता है अगर इंडिया से, तो क्या यही टीम अगर खिलाएं तो मैच पाकिस्तान जीत जाएगा? अगर टीम के यही हालात रहे तो टीम सेमीफाइनल तक भी क्वालिफाई नहीं करेगी, फाइनल की दूर की बात है।